इंदौर डीआईजी कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आज इंदौर जिला हमाल कल्याण महासंघ अपनी समस्या लेकर पहुंचा और अपनी मजदूरी के भुगतान के संबंध में कहा कि हमारी मजदूरी का भुगतान स्थानीय व्यापारी नहीं करते हैं। इंदौर जिला हमाल कल्याण महासंघ द्वारा आज जनसुनवाई में अपनी समस्या को रखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी मजदूरी आदि का भुगतान स्थानीय व्यापारीगण नहीं करते हैं। वहीं जिस व्यापारी का माल मुंबई, दिल्ली, भोपाल और जयपुर आदि अन्य शहरों और जिलों से आता है, वो व्यापारी हमाल का भुगतान करता है, लेकिन स्थानीय व्यापारी विवाद का कारण बन जाता है, जो कि उचित नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश शासन ने घोषणा की है कि स्थानीय श्रमिकों को ही पहले रोजगार दिया जाएगा, अन्य बाहर के श्रमिकों को बाद में रोजगार दिया जाए। इस पूरे मामले पर एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने कहा कि इसमें जो भी व्यवस्था स्थापित है उसको कलेक्टर और श्रम विभाग के संयुक्त प्रावधान में व्यापारी एसोसिएशन और हमाल संघ दोनों का जो भी प्रतिनिधि है उनके साथ में बैठकर इसका निराकरण करे। और साथ में ये भी कहा कि व्यापारी एसोसिएशन को भी सुझाव दिया गया है कि अगर वह वर्षों से स्थापित परंपरा में कुछ भी संशोधन चाहते हैं तो इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन दे। ने जो एक तरफा मामला बनाया, प्रशासन सारी व्यापारी की बात सुनी। हमारा हमाल संघ जो है, जो हमाल संघ के साथी हैं, वो जो बाहर की गाड़ियां आती हैं उनको हम खाली करते हैं, है ना। लेकिन इसकी परिभाषा बदल दी गई, गाड़ी खाली करने को उन्होंने खड़ी कराई कर दी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जो मजदूर होते हैं, हमारे जो हमाल होते हैं, जब व्यापारी लोग इनको मोबाइल या फोन करते हैं इनकी फैक्ट्री से या मिल से, जब हमारे यहाँ के व्यक्ति इनके यहाँ गाड़ी खड़े करने जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग जबरदस्ती या अपने मन से चले जाते हैं या जैसे सब्जी वाले आवाज लगाते हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग हमें बुलाते हैं जब हम जाते हैं। कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 10,000 लोग। और ये पालदा, चितावाद, नायता मुंडला, पत्थर मुंडला, दूधिया, देवगुड़िया, इतने तक की 15 संस्थाएं और सब शासन से रजिस्टर्ड है। मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने विवाद करने की मजदूर को एक 30-35 बोरी की गाड़ी से करवा ली। हमारे वहाँ के लड़के गए, यार तुमने गाड़ी हमको बुलाया नहीं, तो उसने बोला कि यार 15 बोरी तो थी, कर दी कि यार भैया बुला दिया, तो हम तो तुम्हारे यहाँ 30-40 साल से काम कर रहे हैं। उस विवाद को लेके वो सब थाने जाके कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 10,000 लोगों का परिवार है हमारा, जो पिछले 40-45 साल से इसी कार में है, मतलब करते हैं, अम्मनी अम्मनी करते हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि लगातार शुरू से इस तरह की स्थिति एक बार 1991 में भी बनी, बहुत सारी बातें सामने ही लेके जैसे तैसे समझौता कराया, फिर बीच में एक बार ले रहे कि मिल मालिक क्या मालूम उनको क्या हो गया। हमसे बोलते हैं कि हमारा माल, तो भैया हम तो निवेदन कर रहे हैं आपसे। हाँ, विज्ञापन देने के लिए आए हैं, खड़ी करने के लिए, मतलब जैसे जो रोक लगा रहे हैं ये खड़ी करने की परिभाषा सेठ लोग जानते नहीं है। और जैसे बाहर से जो माल आता है, जो ट्रक आता है, उसको हम लोग खाली करते हैं, मतलब सेठ के गोडाउन में, और ट्रक वाले से मतलब हमारा संबंध है, ट्रक वालों से पैसा लेते हैं।